आज कुछ धमाका आया है, मैंने देखा भी, मुझे टाइम नहीं मिला पूरा देखने का, तो आराम से देख, रात में देखूंगा भाई। के तो बारे में भी आपने बहुत कुछ बोला है, जोक तो सब पे ही बनते हैं। और अब्दू यार बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। बिग बॉस के बारे में क्या बोलना है? अब्दू बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है। बिग बॉस के बारे में, बिग बॉस मैं लास्ट के दो एपिसोड आधे छोड़ दिया, मतलब लाइक थोड़ा ऐसा ऑफ जा रहा है, बट मुझे लगता है कोई भी शो को एस्टैब्लिश होने एक आध हफ्ता तो एटलीस्ट लगेगा। सब कैरेक्टर धीरे धीरे पसंद आएंगे, बट एमसी स्टैन मस्त है और अब्दू, ये दो लोग बहुत रियल हैं, फुल सपोर्ट है दोनों। स्टैन तो एकदम साइलेंट है सारे साइड, वो अलग ही है ना, उसको साइलेंट कर भी रहे ना, उसको थोड़ा साइलेंट भी कर रहे ऐसा भी फील हो रहा है, बट वो कोई नहीं, वो एक हफ्ता वहाँ रहेगा ना, अभी कलर्स नहीं दिखाया उसने, फिर उसको हाथ में जाएगा, उसको टाइम लगेगा, मजा आएगा, बहुत अच्छा लड़का है। आप उसके साथ एक दिन पहले घर के जाने के, घर पे वो जाने के एक दिन पहले भी आप उसके साथ थे, तो क्या मिलते रहता है वो हफ्ते में एक बार तो मिलता ही है, और वही मैंने उसको यही बोला कि तू अंदर जाएगा ना तो बहुत बार तुझे ये फील होगा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे घर जाना है, तुझे ये फील होगा, वो फील होने मत देना, होगा होने देना, बट एक घंटे बाद सुधर जाना, तो ये मैंने उसको एक टिप दिया था, बाकी तो वो शेर है। भाई फैंस के बारे में कुछ नहीं, बैनमैन आया है आज, बैनमैन रिलीज़ हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पांस है, हम लोग ने 6 घंटे में 4 लाख व्यूज क्रॉस कर लिया है और बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस है। बस तो सब फैंस को बहुत बहुत शुक्रिया इतना शेयर करने के लिए, और मैं जितनी स्टोरीज मेंशन देख रहा हूँ मैं बहुत देख रहा हूँ, और मैं कल से सोया भी नहीं हूँ बट फिर भी मैं अभी सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच। ठीक है मुनावर भाई, इधर मुनावर भाई, भाई इधर, भाई इधर, भाई इधर तो देखा ही नहीं, मुनावर भाई एक बार इधर लुक दो, सेंटर में कॉर्नर भाई, सेंटर यहाँ पे भाई, यहाँ पे मेरे पास, थैंक यू मुनावर भाई।